हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेनजीर क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं एमपी बोर्ड की बहुत ही लेटेस्ट जानकारी आ चुकी है कि एमपी बोर्ड ने जो अपना प्रश्न बैंक है उसे जारी कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या जानकारियां बताई जा रही हैं। तो हम पहुंच चुके हैं एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है mpbsc.nic.in पर। तो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। 9th, 10th, 11th, 12th का जो प्रश्न बैंक है वो आज जारी कर दिया गया। तो देखेंगे हम प्रश्न बैंक को किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको प्रश्न बैंक पढ़ना है, सारी जानकारी आप सब सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं। आप देख चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं एमपीबीएससी की जो ऑफिशियल साइट है यहां पर। तो ऑफिशियल साइट को स्क्रॉल करेंगे आप तो आपके सामने चार इंटरफेस नजर आ रहे होंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर चारों इंटरफेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक और पठन पाठन की सामग्री। चारों ऑप्शन में सिर्फ आपको यहाँ पर पठन पाठन सामग्री में क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं पठन पाठन सामग्री में। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा आ रहा है मासिम ई लर्निंग केंद्र। ध्यान दीजिएगा, मासिम ई लर्निंग केंद्र यानी पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी पुस्तकें, वीडियो लेसन्स, ऑडियो लेसन्स और प्रश्न बैंक ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र, आपको ये तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज आपको जो बताने वाले हैं प्रश्न बैंक के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं अपनी कक्षा को चुने, इस ऑप्शन पे आपको क्लास चूज करना पड़ेगा। 9th, 10th, 11th, 12th जो भी आपकी क्लास है यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको देखें पर क्लिक कर देना है। जैसे आप देखें क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्लिक करके तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट को चूज करिए, इससे पहले क्लास चूज करना है। इसके बाद देखें क्लिक कर लेंगे। जैसे कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपकी सारी सब्जेक्ट शो कर देंगी जो आपकी 10th में हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट है, यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो ये हिंदी की आप देख सकते हैं, गणित है, विज्ञान है, सोशल साइंस है, अंग्रेजी की जनरल है और संस्कृत का सामान्य। इस तरह से आपकी 6 सब्जेक्ट आपके सामने दिखाई जा रही है। अब अगर आप में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जिस भी सब्जेक्ट का अगर आपको मान लीजिए प्रश्न बैंक चाहिए तो आपको ग्रीन स्थान पर टिक करना। तो ग्रीन स्थान पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रेड वाली पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो लेसन यूट्यूब पर आपको वीडियो दिखा के जानकारी बताई जाएगी। ठीक है, अगर येलो पर टिक कर देते तो आपको जैसे गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं अपन ऑडियो वर्जन में, उसी तरह आपको जो वीडियो का लेक्चर है वो ऑडियो वर्जन में सुनाया जाएगा, यानी जो आपका चैप्टर रहेगा उसे ऑडियो के रूप में आपको समझाया जाएगा, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, और जो आप ये नेक्स्ट है तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो ये सारा ये जो क्वेश्चन का निशान बना हुआ वहां पर जानकारी है। और यहाँ से आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी डाउनलोड की प्रोसेस थोड़ी सी रिस्की चल रही है, अभी डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों में यानी कुछ देर में आ गया। तो कुछ समय के बाद यहाँ पर एमपी बोर्ड के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, इसकी जानकारी दे दी गई है कि लगातार यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है क्रम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम हिंदी स्पेशल को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो ग्रीन स्थान पर आप जैसे टिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा पीडीएफ खुल के आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई लर्निंग पाठ पुस्तक की जानकारी आ चुकी है क्लास 10th में हिंदी विशिष्ट की। ये देख सकते हैं आपके जितने भी पूरे चैप्टर हैं, पूरे चैप्टरों का अलग अलग पीडीएफ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। अभी क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा पीडीएफ को अपलोड किया जा रहा है तो अभी सर्वर जो है तो नॉन एक्सटेंशन शो कर रहा है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कुछ समय के बाद आप जैसे इस पर साइट पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रश्न बैंक का जो है तो ब्लू प्रिंट भी मिल जाएगा, साथ में आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे। यही आज की महत्वपूर्ण जानकारी थी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर एमपी बोर्ड की जो भी नई अपडेट आती है सबसे पहले लेके आते हैं। फिर मिलेंगे एमपी बोर्ड की नई अपडेट के साथ या फिर प्रश्न बैंक के कोई अच्छे सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।